अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। समारोह में मुख्य अतिथि ने 10वीं तथा 12वीं में अव्वल रही जिला की 47 बेटियों को 21,000 रुपए के कुल 9.87 लाख राशि के चेक प्रदान करके सम्मानित किया। समारोह में मेरे गांव की बेटी मेरी शान योजना के तहत जिला की 6 बेटियों अजोली की सुजाता कपिला, सुनोली की दविंद्र कौर, लोअर अरनियाला की हिमानी वेंस व बंद्रा कुमारी, बसेंद्रा की अंशुल और नगनोली की प्रवीण लता खड़वाल को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्नत उत्कर्ष योजना के तहत 50 स्थानीय दुकानदारों को भी अपनी दुकानों को बेटियों के नाम से प्रदर्शित करने हेतु बोर्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया। एजुकेशन बोर्ड से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल किया, पूरे जिला में उनको 21,000 रुपए से सम्मानित किया गया है। मैं उन बच्चे बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिला प्रशासन की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नया इनोवेटिव आइडिया निकाला है। उनके प्रिंसिपल्स, उनके शिक्षक, उन सभी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सफल जी, देखा जाए तो जिला उन्ना उन 2 जिलों में शुमार था जहाँ शिशु लिंग अनुपात बड़ा कम था, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है, तो क्या आने वाले समय में भी इस तरह के जो काम है वो चलते रहे? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इसमें बालिकाएँ ज़्यादा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आई है। तो ऊना जिला की स्थिति जो पहले खराब थी, वो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और पेरेंट्स की जागरूकता के कारण और प्रशासनिक लोगों के द्वारा जागरूकता लोगों में लाने के कारण आज उस लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। और लिंग अनुपात जो चलता था वो पहले जैसा बताया गया कि 850 बच्चियाँ और लगभग 1,000 बेटे थे, अभी वो 925 बच्चियाँ और 1,000 बेटे तक पहुँचे हैं। तो मैं मान करके चलता हूँ एक दिन बराबर बराबर हम आ जाएंगे और बच्चियाँ जैसे बाकी फील्ड में आगे निकल रही हैं, उस दृष्टि से इसमें भी आगे भी निकलेंगे। और ये सामाजिक बुराई है, इसको सबको इकट्ठे होकर ही लड़ना पड़ेगा। सरकार के प्रयास और जनता का सहयोग इसमें अति आवश्यक होगा। इसके अलावा जिला के 21 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन बच्चों को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।